एफबी की 8.5 kg 1400 rpm एक्सक्यूटिव प्लस। गाइज ये है हमारी वॉशिंग मशीन जिसको कि काउंटर के नीचे सेट किया हुआ है और आप देख सकते हो ये बिल्कुल गैप नहीं रखा है यहाँ पे, एक इंच का गैप, आधा इंच का गैप रखना पड़ता है क्योंकि जो वॉशिंग मशीन है वाइब्रेट करती है और इसके ऊपर भी लगभग 1.5 इंच का गैप है, वाइब्रेट करती है तो इतनी जगह होनी चाहिए और यहाँ पे भी एक हाथ का गैप है। लेकिन अब ऐसे मशीन हम रख नहीं सकते तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बना रखा है, ऐसे ये पल्ला बना रखा है ताकि मशीन को आराम से निकाल सकें और उसको सर्विस करने के लिए और कभी टोटी बंद करनी है कुछ करना है ना, तो इसलिए इतना स्पेस होना चाहिए क्योंकि बहुत हैवी मशीन है, 80-90 kg है, अगर छोटी होती तो आराम से चल जाता। और इसका जो ड्रेनेज पाइप है वो यहाँ पे हमने बना रखा है, आप लोग देख सकते हो। और इसमें मैंने कॉकरोच वाली जाली फिट कर रखी है जिसमें से स्मेल और कॉकरोच नहीं आते। तो अब वॉशिंग मशीन में क्या होता है, पंप से पानी बाहर जाता है तो एकदम से पंप से पानी कभी क्या होता है एकदम से बाहर निकल जाता है, तो इसलिए हमने ये साइड में ये लगवा दिया ताकि पानी जो है बाहर नहीं आ सके। ये आप देख सकते हैं छोटा सा स्विमिंग पूल बन गया और ये टैप हो गई इसके पीछे और इसी के ही पीछे यहाँ पे हमारा प्लग भी हो गया और इसका बटन जो है ऊपर है तो इतना गैप है।
सो गाइस हमने इसमें बहुत सारे चादर डाले हैं फुल भर के, तो आपको मैं गिनाता हूँ कितने चादर नहीं पर्दे डाले बहुत सारे, और एकदम लंबे वाले 10 फुट वाले पर्दे हैं, 1, 2, 3 ये 4, 5 ये 6, 7 7 और ये 8, 9, 9 दिस वन इज 10 पर्दे। आप देख रहे हो गाइस मतलब दो टब भर गया बड़ा वाला, इतने कपड़े इसमें धुले हैं। और ये है हमारी